हेलो गाइस, मैं हूं न्यूज़ एकर। चलिए आज बात करते हैं यूट्यूबर से रिलेटेड कुछ अपडेट्स। सबसे पहले बात करेंगे केआरके की, देन हर्ष बेनीवाल की, फिर विराट कोहली के सेंचुरी पे यूट्यूबर्स के कुछ रिएक्शंस, और लास्ट में बात करेंगे ब्रह्मास्त्र मूवी के रिव्यू के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं केआरके के बारे में। आपको पता कि केआरके फिलहाल जेल में बंद है अपनी विवादित ट्वीट्स के कारण। 2 साल पहले उन्होंने पुराना कोई ट्वीट किया था, तो मुंबई एयरपोर्ट पे आते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया और काफी टाइम से जेल में बंद। कुछ टाइम से उनके ट्विटर पे ऐसे कोई अपडेट नहीं आ रहा था, लेकिन कल ही कुछ अपडेट देखने को मिला। तो फैजल खान ने 2 ट्वीट किया कि केआरके की लाइफ डेंजर में। तो फैजल खान ने पहला ट्वीट किया कि मैं केआरके का बेटा हूँ, कुछ लोग मेरे पिता को मारने के लिए टॉर्चर कर रहे हैं मुंबई में। मैं सिर्फ 23 साल का और फिलहाल लंदन में रहता हूँ और मुझे नहीं पता कि उनकी कैसे हेल्प करनी। तो मैं जूनियर बच्चन, रितेश देशमुख और देव फडणवीस से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे पिता की लाइफ बचा लीजिए, उनके बिना मैं और मेरी सिस्टर मर जाएंगे। फिर एक और ट्वीट करते हैं उन्होंने लिखा कि क्योंकि वो हमारी जिंदगी है, तो मैं पब्लिक से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे पिता के साथ खड़े होइए, मैं उन्हें मरते देखना नहीं चाहता हूँ। प्लीज आप वी स्टैंड विद केआरके का ट्रेंड चलाइए। लेकिन इस ट्वीट के बाद भी कोई बड़ी सेलिब्रिटी उनके साथ नहीं है, क्योंकि उन्होंने काम ऐसे कर रखे। फिलहाल क्या होगा केआरके की लाइफ के साथ, तो वो फ्यूचर में देखा जाएगा। सेकंड अपडेट है अंकित राजपूत से रिलेटेड। अंकित राजपूत का एक इंस्टाग्राम पे पेज है ankit.ang से। तो इन्होंने कुछ एक रील पोस्ट की, पहले तो आप वो रील देख लीजिए, तो फिर मैं बता दूं इस रील के बारे में मैं क्या कहना चाहता हूँ। तुल्ले रे ओ बांगड़ बिल्ले, हर जगह तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। और बिल्लो बिल्किसगंज वाली से क्या बोला तूने कि मिथिलेश निपुंसक है? अपने जज्बातों को जरा काबू में रख मिथिलेश, सच्चाई को स्वीकार कर। और मर्द बनने का इतना ही शौक है तो शिलाजीत की गोली खाना छोड़ दे माधर चोद। तुमने इस रील में मिथिलेश्कर का नाम लिया, अब मिथिलेश्कर या मिथपेट का नाम है या किसी और का, वो तो आप कमेंट करके बताओ, या फिर ऐसे ही हंसी मजाक में ये वीडियो बना दिया, आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट अपडेट हर्ष बेनीवाल से रिलेटेड। मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाया था कि उनका जो फर्स्ट वीडियो था वीर वर्सेस हीर, जो एक साल पहले आया था, वो डिलीट हो गया, लेकिन वो फिर से रिकवर हो चुका। तो इस बारे में हर्ष बेनीवाल ने क्या कहा, आप उन्हीं से सुन लीजिए। हे गाइस, वीर वर्सेस हीर 1 जो हमने पिछले साल बनाई थी वो वापस आ चुकी है, डिलीट हो गई थी। आई नो, जाके देख लो, क्योंकि बहुत लोग बोल रहे थे कि भाई क्या हुआ है, डिलीट हो गई, अब वो आ गई फाइनली, जाके देखो, मजे लो वीडियो के। नेक्स्ट अपडेट है कैरी मिनाटी से रिलेटेड। कैरी मिनाटी फिलहाल सऊदी अरब में, वहाँ कुछ इवेंट चल रहा था, वहाँ उन्होंने पार्टिसिपेट किया, तो वहाँ से उन्होंने एक वीडियो भी शेयर करी। आप पहले इस वीडियो को देख लीजिए। साथ ही उन्होंने ट्विटर पे एक पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि सऊदी अरब से ज्यादा बादल तो मेरी शर्ट पे। नेक्स्ट अपडेट है आईफोन 14 से रिलेटेड। आपको पता कि जैसे आईफोन रिलीज होता है तो किडनी से रिलेटेड कुछ जोक जरूर बनते, तो इस पे पूर्व जाने कुछ रिएक्ट करते हुए कहा कि ये प्लीज ये बंद कर दीजिए आप। पहले तो वो सुन लीजिए वीडियो में क्या कह रहे हैं। अंड मंड का टोला, अब आईफोन 14 के ऊपर किसी ने किडनी जोक मारा, समझ जाओ, मतलब हद हो गई है यार। 2015 का जोक कैसे कैसे अभी तक रगड़ रहे हो तुम लोग यार, छोड़ दो, हो गया, कुछ और बेच लो, कोई और पार्ट बेच लो, है वो काम के नहीं है क्या, स्टोन हो गया क्या उसमें, कुछ और बेच लो, किडनी। तो भाई ये जोक पुराना हो गया, आप छोड़ दो यार, बिना किडनी के भी आप खरीद सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट है नीतीश राजपूत से रिलेटेड। आपको बता दिया कि अच्छे खासे यूट्यूबर है। फिलहाल आपको पता है कि कांग्रेस ने एक यात्रा स्टार्ट की, भारत जोड़ो यात्रा, तो इसमें राहुल गांधी पैदल पैदल कुछ 12 राज्यों की यात्रा करेंगे। तो इस पर नीतीश राजपूत ने रिएक्ट करते हुए कहा, भारत जोड़ो यात्रा जस्टिफाई है यदि इंडिया में सिर्फ 12 ही राज्य है। तो बेसिकली उन्होंने ट्रोल किया गांधी फैमिली को, यानी कांग्रेस को, कि भारत जोड़ो यात्रा है तो आपको सारे राज्यों में घूमना चाहिए, ना सिर्फ 12 राज्यों में। तो इस बारे में आपका क्या कहना, कमेंट करके जरूर बताओ। तो नेक्स्ट अपडेट है यो हनी सिंह से रिलेटेड। आपको पता है कि यूट्यूब पे एक चैनल है टॉप रियल टीम, तो आपको इन दो बंदों की जोड़ी जरूर देखने को मिलती है। तो इनके एक रील पे उन्होंने रिएक्ट करते हुए कहा कि दिस बॉयज आर क्राइसी। तो उनका काफी अच्छा यूट्यूब चैनल है, करीब 36 लाख उस पर सब्सक्राइबर है और काफी अच्छे वीडियो बनाते हैं। आपको तो पता है कल विराट कोहली ने करीब 3 साल के बाद एक सेंचुरी बना दी, अपनी 71st सेंचुरी, वो भी 3 साल बाद। तो इस पे रिएक्ट करते कुछ यूट्यूबर्स ने और इवन कुछ पाकिस्तानी क्रिकेटर ने भी इस पे रिएक्ट किया। तो सबसे पहले रिएक्ट किया इमाद वसीम ने। आपको पता है कि इमाद वसीम अभी पाकिस्तानी टीम में खेल रहे हैं। तो उन्होंने लिखा द बेस्ट प्लेयर ऑन द प्लेनेट इज बैक। अब पाकिस्तानी होते हुए भी उन्होंने अच्छी तारीफ की। तो इस पे एक यूजर ने कमेंट किया कि नहीं, बाबर आजम फिलहाल सबसे बेस्ट है, ये खुद विराट कोहली ने कहा। वही मोहम्मद आमिर, ये भी पाकिस्तानी क्रिकेटर है, इन्होंने कहा कि सो फाइनली वैट इज ओवर ग्रेट 100 बाय किंग कोहली। फिर आबेडी ने लिखा है कि यस विराट कोहली डांसिंग अगेन, व्हाट अ लवली साइट। तो ये उनके काफी अच्छे फ्रेंड भी हैं। वही यूट्यूबर अभिदय मोहन ने इस पे रिएक्ट करते हुए कहा कि व्हाट अ नॉक, फाइनली 100 बना लिया कोहली ने। वही लक्ष्य चौधरी ने इस पे रिएक्ट किया है क्योंकि बाबर आजम फिलहाल फॉर्म में नहीं और कोहली फॉर्म में। तो इस पे उन्होंने कुछ मजेदार बना दिया कि अंधेरा तेरा मैंने ले लिया, अपना उजाला सितारा तेरे नाम किया। वही ठगे से रिएक्ट करता कि आई एम गोना क्राई, ये सेंचुरी देख के मुझे रोना याद आ गया। हो भी क्यों ना, काफी टाइम बाद जो सेंचुरी
सेंचुरी आई है। वही प्रपुल एमबीए चाय वाला ने लिखा है द किंग कोहली इज बैक, हियर कम्स द मोस्ट अवेटेड 71st सेंचुरी ऑफ किंग कोहली आफ्टर 1019 डेज, व्हाट अ ब्यूटीफुल नॉक। वही नियोन मैन ने लिखा कि विराट कोहली टू बाबर आजम दिस साल टू पास स्टे स्ट्रॉन्ग, तो यहाँ वो बाबर आजम को ट्रोल कर रहे हैं। तो वही विराट कोहली ने एक ट्वीट किया कि थैंक यू फॉर ऑल ऑफ द लव एंड सपोर्ट थ्रू आउट द एशिया कप कैंपेन, वी विल गेट बेटर एंड कम नॉक एंड कम बैक स्ट्रॉन्गर अंटिल नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट अपडेट है ब्रह्मास्त्र मूवी से रिलेटेड। आपको पता है कि ब्रह्मास्त्र आज रिलीज हो चुकी है थिएटर में, और कैसे इसके रिएक्शन आ रहे वो तो ये आपको ऑडियंस ही बता देगी। तो जैसा ट्रेंड चल रहा है कि बायकॉट ब्रह्मास्त्र, तो ऐसा कुछ है नहीं फिलहाल, क्योंकि लोगों को काफी पसंद आ रही, जैसा कि आप इन वीडियो में देख सकते हैं। सोचती हूं लोगों की उम्मीद से ज्यादा है, जैसे लोग सोच रहे थे ना मूवी देखने के बाद उनका सारा भ्रम दूर हो जाएगा। सो वेरी बिग कम बैक फॉर बॉलीवुड। ऑडियंस ने इस फिल्म को बॉयकॉट किया, तो मुझे लगता है कि उनको कहीं ना कहीं अपने आप ही बुरा लगेगा कि वो इस तरीके की फिल्म को बॉयकॉट कर रहे हैं। लेकिन एक यूजर ने लिखा चार्ली ने कि अगर आप अपनी आंखों को प्रोटेक्ट करना चाहता तो थिएटर छोड़ दो, मेरी तरह से सिर्फ हाफ स्टार आउट ऑफ 5। ये बिल्कुल लेजर की तरह आंखों पे इफेक्ट कर रही है मूवी, ऐसा उनका कहना है। लेकिन अच्छी साइड की बात करें तो थिएटर में स्टैंडिंग ओवेशन दिया लोगों ने, मतलब लोगों को मूवी तो पसंद आ रही है। कितनी अच्छी मूवी है तो धीरे धीरे पता चल जाएगा लोगों से, क्योंकि वर्बली जो प्रमोशन होता है ना वही काम का होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।